कहीं से शादी की नहीं आती है लड़कों की, वो क्यों नहीं आती कि पानी नहीं है, गंदा पानी पीते हैं। हमारी लड़की आया है तो पानी भरत भरत मर जे है। इन्हीं घाटी में आ रहा है, अब जी गिर गए पत्थर लो लग गए थे। रोज पानी के लिए तपते सूरज के नीचे इन ऊंची चट्टानों पर चढ़ना, सिर पर बड़े बड़े हंडे लिए आगे बढ़ना और वापस मैला पानी लेकर लौटना, ये यहाँ के लोगों के लिए आम हो गया है। इतनी मशक्कत के बावजूद गंदा पानी पीने के लिए मजबूर इन लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए जंगल के बीच खाई भी इस गंदे पानी के अलावा इनके पास कोई और साधन नहीं है। आजादी के 76 साल बाद भी मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस गांव में रहने वाले ये लोग बुनियादी सुविधा के लिए भी तरस रहे हैं। छतरपुर जिले से 120 किलोमीटर दूर बेहरवारा के महरखुआ गांव में दूर दूर तक चिलचिलाती धूप और पहाड़ों जंगलों के अलावा पानी के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी आंखों में निराशा के साथ साथ एक उम्मीद भी है कि शायद कोई बदलाव आ जाए। पानी की समस्या ज्यादा है, पानी की समस्या होने के कारण हम लोग परेशान हैं ज्यादा। एक तो जंगल एरिया में पानी है, ब्याह शादी हो भी के लाने कई लड़की बैठी हमारी, कहीं से शादी की नहीं आती है लड़कों की, वो क्यों नहीं आती कि पानी नहीं है। जब वहाँ शादी विवाह वाली आती है वो पानी देखती, जब यहाँ का दूर का तो कोई नहीं आता है, तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो जाती है। और पेयजल पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाए, समोलन की सारी समस्याएँ दूर हो जाए। अब क्या समस्या है? अब पानी की सब बिल्कुल मेन समस्या, कैसे कहाँ से ले पानी? पानी हमारा जो पैतृक दही है नाल झिरिया, झिरिया से पानी हमारा पूरा गांव उसी के ऊपर निर्भर रहता है झिरिया में, और झिरिया में ऐसी समस्या हुई कि इतना गंदा पानी हो गया है कि वही हम लोग पीते हैं, वही पानी मवेशी पीते हैं, उसी में कीटाणु पड़े रहते हैं, छान छान करके घर ले जाते हैं, उसी को पानी पीते हैं हम। रास्ता है? कैसी रास्ता है? रास्ता तो भाई साहब बड़े बड़े पत्थर हैं, दो दो चार चार फुट के लंबे चौड़े पत्थर हैं, उसी के ऊपर से चल के जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अब वृद्ध अवस्था हो गई, आँखों में दिखता नहीं है, हो सकत कहीं पत्थर से टकरा के गिर भी जाते हैं, लगड़े लूले होते हैं कई। ये ज़्यादा समस्याएं कब से बनी हुई हैं? ये समस्याएं तो जब से हमने मतलब अभी 10-25 साल से ज़्यादा समस्याएं बन गई हैं, थी समस्याएं पहले थी लेकिन अब ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं। हमारे गाँव में पानी की समस्या है, पानी को दूर जाने पड़ता है, अब 3-4 दिन हो गए पानी भी नहीं आया, गंदा पानी पीते हैं, यही से हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते हैं, पानी की समस्या के यही से। ऐसी कब से समस्या हो रही है नीचे कर रहा? वो बहुत दिन से है, कई आज की थोड़ी है, पूरी हमारी जिंदगी निकली जा रही है। तो रिश्तेदार भी अब नहीं आते? कहाँ आते हैं, पानी की वजह से आते नहीं हैं। फिर आप जैसे पानी की समस्या जैसे बढ़ जाती है तो क्या करते हो फिर आप लोग? क्या करते हैं, अब जितना मिलता है उतना ही ले आते हैं, गुजर तो करना ही है। कोई अधिकारी वगैरह नेताजी वगैरह नहीं आए? अब नेताजी वगैरह आते हैं तो भाषण दे देते हैं, सुन के बेबी भाग जाते हैं, अपनों तब बोल लो तो बोल देते हैं, क्या करें। समस्या का समाधान नहीं हुआ ना? क्या चाहती हैं अब आप? अब क्या चाहते हैं, अब तो यही है कि पानी की व्यवस्था करवा हमारे गांव में। सबसे ज़्यादा पानी की परेशानी है हमें। अच्छा, क्या समस्या? अब दूर जाने पर पानी भर बेख है, वही में है सब जानवर है, जंगल है, घाटी है, तो अब टाइम टाइम से जा ना दोपहर में जा सका ना बड़े सुबह जा सकते है। जब उतर से पानी भर के ले आओ, जब कहूँ पानी है वही में है सो जानवर भी हैं, भालू है, टाइगर है, सबाई को है, तो इसे अकेले को जा नहीं सकते हैं। जय हैं तो दो चार जने से जय हैं, जब पानी भर के ले आए हैं तो कभी हमला मला करो के जानवर ने? जानवर ने जैसे करो तो नहीं है, लेकिन दिखा भी जाते हैं तो आखिरी पे है तो उत्ताई में तो डर लगते हैं।
तब शादी वगैरह का हो जे अब जब इत देखा था ना खेती देखा ना पाती का छू ना पानी की व्यवस्था देखा जहाँ के आओ सुजा के दे से है को पानी भरती है हमारी लड़की आया है तो पानी भरत भरा मर जे है सही से ना शादी वगैरह होते ना कछु ना कहूँ के को ऐसे में आते आते रिश्तेदार वगैरह कब आ गए साल छः महीना में एक आध बार सो अब परेशानी देखे से सबाई को नहीं आते है। माँ बाप ने तो शादी करी है तो पानी भरत भरत बिल्कुल परेशान पूरे हो गए पानी के अलावा कर काम करवे मिलता ही नहीं है। कैसे आती यहाँ पर रहते हैं? घाटी में आ रहा है अब जे गिर गए पत्थर लो लग गए थे तो कहते हैं आप भर्ती के पूरे गांव थे पूरे गांव भरा अब आप अब पूरे गांव तो आ रही अब वे कहाँ खेजे हैं कोई साधन नहीं है कोई साधन नहीं है। वहीं जब हम इस समस्या के बारे में यहाँ के विधायक राजेश शुक्ला से बात करते हैं तो वे सदियों से चले आ रहे इस संघर्ष को स्वीकार करते हैं और समाधान का वायदा करते हैं लेकिन क्या सचमुच इस गांव के लोगों को समाधान मिल पाएगा? मैं निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करूंगा कि सरकारी सिस्टम आदिवासियों के सहयोग करने में पीछे है। किशनगढ़ क्षेत्र का आदमी और छतरपुर जिले का जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी निवासरत है आज वहां ऐसी कई चीज़ें हैं जहां जिसकी जांच कराई जाए तो आपको इतने बड़े बड़े घोटाले इतने इतने लोगों के पानी की बात करें अपन जिस तरीके से सरकार आपकी है तो ऐसे सिस्टम को क्यों सरकार के संज्ञान में नहीं लाया जा रहा था? नहीं मैं हमेशा संज्ञान में लाया मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बिजावर आए मैंने मन से इस मांग की है और मैं बार बार अधिकारियों को और पत्र लिखता हूं कि वहां इस समस्या को आप के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा निश्चित तौर पर किशनगढ़ के प्रति ध्यान नहीं है। नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।